हाय, मैं विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के सवाल ये थे कि ऑडिशन देने के बाद कितने दिन में काम मिलता है। तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने दिन में काम मिल जाना चाहिए। कभी आपको एक दिन में मिल सकता है, दो दिन में मिल सकता है, पाँच दिन में भी मिल सकता है, दस दिन में भी मिल सकता है, दो महीने के बाद भी मिल सकता है, छः महीने के बाद भी मिल सकता है। तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर रहता है। अगर आप सिलेक्ट हो गए ना तो एक दिन में भी शूटिंग हो सकती है, दो दिन में भी शूटिंग हो सकती है, या प्रोजेक्ट लेट हो गया, शायद वो कुछ प्रॉब्लम हो गया प्रोजेक्ट में, तो शायद छः महीने के बाद भी मिल सकता है। तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है फिक्स कि ऑडिशन देने के बाद कितने दिन में काम मिलता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखे हैं कि आज ऑडिशन दिए, कल सिलेक्ट हो गए। कई लोगों को देखा है कि आज ऑडिशन दिए हैं तो छः महीने के बाद उनको कॉल आया है उसी रोल के लिए, किन्हीं को 20 दिन के बाद आया है, किन्हीं को एक दो महीने के बाद कॉल आया है। तो कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि कितने दिन के बाद ऑडिशन देने के बाद काम मिल जाता है। और बात रही दूसरी, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे लोग आप कास्टिंग ऑफिस में जाते हैं वहाँ रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, पहले ही बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी को पैसे ना दें। एक बात जरूर याद रखिए, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगते हैं, तो पहले उनका प्रोफाइल देख लीजिए। कुछ हैं, कुछ 1-2% ऐसे हैं मैंने देखा हुआ है कि वो लोग अच्छे हैं, पैसे लेते हैं और काम देते हैं, उनका प्रोफाइल पहले आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे ले लेते हैं लेकिन काम नहीं देते हैं, ऐसे भी हैं। तो अच्छे लोग शायद 1-2% लोग ही हैं, तो आप उनका प्रोफाइल चेक करेंगे। मैं बता नहीं सकता कौन अच्छे हैं या कौन खराब है ऐसे, लेकिन 1-2% है जो पैसे लेके काम देते हैं और ज़्यादा करके तो फेक ही हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो आप संभाल के जाइए, उनका प्रोफाइल देखिए, उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया है। तो सबसे पहले पैसे ना दे, आप उनको बोलिए आप मुझे काम दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ऐसे बोलिए। अगर आप उनकी प्रोफाइल देखते हैं, बहुत सारे लोग किसी रेफरेंस से उन्हें काम मिला है, अगर कोई एक्टर है उनके रेफरेंस से अगर किसी को काम मिला हुआ है पैसे दे के, तो आप फिर उनके रेफरेंस से जा सकते हैं और कर सकते हैं। तो यही बोलना चाहूँगा, पहले पैसे ना दे किसी को। अगर किसी ने उनके साथ काम किया है, पैसे दे के रजिस्ट्रेशन करके काम किया है, तो ज़रूर दीजिए, नहीं तो ऐसे बिल्कुल ना दीजिए। पूरा उनके रिसर्च कीजिए, देखिए उनके बारे में, देखिए इंस्टाग्राम पे, देखिए फेसबुक पे, देखिए उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया हुआ है। तो जो अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर रहते हैं, आपको उनके प्रोफाइल पे तो पता ही चल जाएगा उन्होंने कितना काम किया है। और जो फेक रहेंगे तो हमको पता ही चल, कुछ काम नहीं किया, खाली ऑडिशन ही ऑडिशन डालते रहते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे ना जाए, क्योंकि आप इतना दूर से आते मेहनत करके। मैंने और सबसे जरूरी बात यह है कि लोग रजिस्ट्रेशन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो लोग लालच में आ जाते हैं, चलो इतने दूर से आए लालच, पैसे देके काम मिल रहा है। तो लालच में ना आए, अपने ऊपर काम कीजिए। अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर बहुत सारे हैं, उनसे मिलिए और ऑडिशन दीजिए। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस पर वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।